सत श्री अकाल बच्चो, अज असी श्री गुरु नानक देव जी दी वाणी वैसाख पला साखा वेस करे करांगे। ए वाणी गुरु जी दी रचना 12वां राग तुखारी दे विचो लई गई है। 12वां राग तुखारी दे विच 12 देसी महीनिया दा वर्णन आंदा है। ते वैसाख पला साखा वेस करे सिर्फ वैसाख महीने दे बारे है। इस महीने दी सिफत करदे हुए गुरु नानक देव जी सानू दसदे है कि ए रुत बड़ी सुहावनी हुंदी है, कुदरत मेहरबान हुंदी है। ते इस महीने दे विच एक जीव इस्त्री सही रास्ते ते चल के अपने उस परमात्मा दा मिलाप प्राप्त कर सकदी है। किस तरीके दे नाल कर सकदी है, देखदे हां गुरु नानक देव जी की कहंदे इस बारे। कहंदे वैसाख भला साखा वेस करे। कहंदे वैसाख दा जिहड़ा महीना है बड़ा भला महीना है। किस तरह भला हुंदा है, कहंदा साखा, साखा भाव टाणी, शाखा वेस करे, नवा रूप धारण कर लेना। कहंदे कुदरत एनी मेहरबान हुंदी है इस महीने दे विच कि हर शाख दे उत्ते नवा रूप चढ़िया हुंदा। नवा रूप किवें चढ़दा, हरेक पौधे दी हरेक पेड़ दी टाणी जिहड़ी है ओह नवीआं पत्तियां दे नाल सज जांदी है। नवीआं उहदे ते करूंबलां निकल आनियां, फुल निकल आंदे आ, डोडियां निकल आनियां, ते ओह जिहड़ा पौधा है ओहदा रूप ही बदल जांदा है। कहंदा तन देखै हर द्वार आवा दया करे। तन तन भाव जीव इस्त्री, ते जीव इस्त्री जदों इस कुदरत नूं वाटी वांग सजी हुई देखदी है, हर द्वार आवा दया करे, तां उहनूं भी अपना प्रभु पति याद आंदा है। जिहनूं ओह अपने तों दूर समझदी है, विछड़िया होया समझदी है, ते उहनूं ओह अपना परमात्मा अपना प्रभु पति याद आंदा है। ते ओह उस परमात्मा दे अगे बेनती करदी है, हर द्वार आवा दया करे, प्रभु मेरे ते दया करो, ते मेरे इस हिरदे रूपी द्वारे दे विच अपना वासा करो। कर आओ प्यारे दूतर तारे, तुद बिन अडन मूलो। हुण इत्थे जीव इस्त्री परमात्मा अगे बेनती करदी है कि ओह उह हिरदे रूपी घर दे विच आवे। ते की कहंदी है, प्यारे दूतर तारे, कि हे प्यारे परमात्मा, तू तां दूतरां नूं वी तारन वाला है। दूतर भाव जिन्हां नूं तारिया नहीं जा सकता, जिहड़े बहुत गलतियां करदे आ, पाप करदे आ। कहंदे तू तां उहनां नूं वी तारन दी समर्था रखदा है। तुद बिन अडना मूलो, केस करके तू मैनूं वी तार, तेरे बिना। तुद बिन भाव तेरे बिना, अड अड भाव कौडी। कहंदे तेरे बिना तां मेरा अद्धी कौडी वी मुल नहीं है। मूलो भाव मुल, कीमत कौन करे। तुद भावां देख दिखावै टोलो, टोलो भाव गुरु। कहंदी जेकर हे परमात्मा तेरी मेहर सदका मैनू ऐसा गुरु मिल जावे, देख दिखावे, जिन्हें अपनी भगती बंदगी सिमरन सदका तैनू खुद देखिया होवे, दिखावे, ते मैनू भी ओही रास्ता दसे जिस ते चल के ओने तैनू प्राप्त कीता, ते मैनू भी उस मार्ग दे उते चलना दसे, ते मैं भी तैनू देख पावां, कीमत कौन करे। फिर तां कहंदी मेरी कीमत वध जाएगी, अद्धी कौडी नहीं रहनी। कहंदी फिर मेरी कीमत पाण आला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कहंदी मैं इन्नी कीमती हो जावांगी कि किसी ने भी मेरी कीमत नहीं पा सकनी, मैं तां बहुमुल्ली हो जाणा। पर इह कदों हो सकदा, कहंदी इह उदों ही हो सकदा जदों मैं तुद पावां, जदों मैं तैनूं चंगी लगनी शुरू हो जावां, तैनूं मैं पा जावां। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। कहंदी फिर उस गुरु दे दसे रास्ते सदका मैनूं इह ज्ञान हो जाएगा, दूर न जाना कि तू तां मेरे तों दूर है ही नहीं, मैं इह जाण लवांगी। अंतर माना कि तू तां मेरे अंतर मन दे विच ही बैठा है। हर का महल पछाना, फिर कहंदी मैनू हर का महल, हरी दा महल, प्रभु पति दा महल, ओह किथे है, हिरदे दे विच। कहंदी मैनू इह पता लग जाएगा कि हर दा महल उस प्रभु पति दा घर तां मेरे अंदर ही है, उस महल नूं मैं कहंदी पहचान लवांगी। नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना। गुरु नानक देव जी की कहंदे है, कहंदे वैसाख दा महीना अजिहा महीना है जिस दे विच ओह जीव इस्त्रियां जिन्हां दी सुरत, सुरत भाव उहनां दी सुरती मन शब्द मन माना, शब्द दे विच लग जांदी है, ओह जीव इस्त्रियां अपने प्रभु पति दे मिलाप नूं प्राप्त कर लैंदी है, प्रभु पावे। पर इह तद ही संभव हो सकदा है जदों ओह गुरु दे दिखाए मार्ग ते चल के अपनी सुरती नूं सिमरन दे विच, भगती दे विच, शब्द दे नाल जोड़ के रखे, ते उस परमात्मा नूं अपने हिरदे दे अंदर हो लब्बे, फिर ओ परमात्मा दे मिलाप नूं सौख्या प्राप्त कर सकदी है। ए सी बच्चियो वाणी गुरु नानक देव जी दी, वैसाख भला साखा वेस करे।